नमस्कार। तो आज मैं आप सभी के बीच एक पोषण ट्रैकर ऐप की जो नई अपडेट आई है उसको लेकर आ चुका हूँ। और अभी और आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को ये अपडेट जान के काफ़ी अच्छा लगेगा। तो जैसे कि मैं आप सभी को बता दूँ कि पोषण ट्रैकर ऐप में नए नए अपडेट आते रहते हैं, जिसकी जानकारी आपको मैं इस चैनल के माध्यम से टाइम टू टाइम देते रहता हूँ। और आप सबको पता है कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी दी जाती है वो एकदम सच्ची जानकारी दी जाती है। तो आज के इस पोषण ट्रैकर ऐप में क्या नया अपडेट आया हुआ है उसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो पोषण ट्रैकर ऐप में नया अपडेट जानने के लिए आपको सबसे पहले पोषण ट्रैकर ऐप में ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको फर्स्ट में ही दिखाई देगा अपडेट का ऑप्शन, तो आप लोग वहां से सिंपली अपडेट कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में वो अपडेट का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है कि यहां प्ले स्टोर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, प्ले स्टोर पे जाएंगे। तो चलिए चलते हैं प्ले स्टोर में। और कोई भी नया अपडेट आता है तो यहाँ प्ले स्टोर में आपको शो कर देता है कि वो नया अपडेट क्या आया हुआ है। तो प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ पर लिखिएगा पोषण ट्रैकर। पोषण ट्रैकर लिखने के बाद आपका पोषण ट्रैकर ऐप यहाँ पे दिखाई देगा, जिसके बगल में यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन दिखाई देता है। तो आपको यहाँ से सिंपली अपडेट पे क्लिक करके अपडेट कर लेना है। 33 पॉइंट कुछ MB का आपका यहाँ पे अपडेट होगा, तो कुछ टाइम लगेगा, आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर अपडेट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसको इस पर टच करेंगे, और टच करने के बाद यहाँ पर जो व्हाट्स न्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहीं से आपको पता लगता है कि क्या अपडेट नया आया हुआ है। तो ये जो अपडेट है 27 जुलाई 2021 को इसमें अपडेट किया गया है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है THR अलॉटमेंट सुपरविजन फॉर चिल्ड्रेन एज 6 मंथ्स टू 3 ईयर्स एंड एडोलसेंट गर्ल्स। यानी कि कहने का मतलब है जो THR का वितरण करते हैं उसके लिए यहाँ पे अलॉटमेंट कर दिया है, जारी कर दिया है कि 6 महीने से लेकर 3 साल के बच्चों को अब इसमें THR का ऑप्शन एड हो चुका है। तो चलिए हम लोग चलते हैं पोषण ट्रैकर ऐप में और वहाँ पे देखते हैं कि क्या ये पोषण ट्रैकर ऐप में जो THR बांटते हैं वहाँ पे ऐड हुआ है कि नहीं। तो चलिए हम लोग इसको सिंपली ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको मोबाइल नंबर और लॉगिन पिन मांगेगा, आप लोग उसको डाल के लॉगिन हो जाइएगा। पे एक ऑप्शन दिखाई देता है दैनिक ट्रैकिंग में जाके हम लोग THR वगैरह देखते हैं। और उससे पहले मैं आप सभी से जानना चाहता हूँ कि बताया जा रहा है कि जो भी बच्चों का हमने नाम ऐड किया है वो नाम कहीं कहीं हिंदी में शो कर रहा है। तो अभी तो हमारे मोबाइल में हिंदी में नाम नहीं शो कर रहा है किसी भी बच्चे का। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं आप लोगों के पोषण ट्रैकर में किसी किसी बच्चे का नाम हिंदी में शो कर रहा है क्या? अगर कर रहा है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग दैनिक ट्रैकिंग को ओपन करते हैं। और ओपन करने के बाद यहाँ पर जो THR का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इस THR वाले ऑप्शन में जो 3 से 6 साल वाले बच्चे को ऐड किया गया था उसको हटा के क्या 6 महीने से लेकर 3 साल वाले बच्चे को ऐड किया गया है? तो चलिए इसको हम लोग ओपन करके देख लेते हैं। तो THR वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही बच्चों की लिस्ट खुल जाएगी, जो कि यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि जो बच्चे हैं वो सिर्फ 3 से 6 साल वाले बच्चे को ही यहाँ पे दिखा रहा है। और इसमें जो 6 महीने से 3 साल के जो बच्चे हैं उनको अभी इसमें ऐड नहीं किया गया है। कहने का मतलब है कि सिर्फ अभी अलॉटमेंट जारी किया गया है, अलॉटमेंट जारी हो गया है, तो जल्द ही इस पोषण ट्रैकर ऐप में जो 6 महीने से लेकर 3 साल के बच्चे हैं उनको ऐड कर दिया जाएगा। और यहाँ पे जो HCM में बच्चे हैं वही बच्चे आपको THR में भी नज़र आएंगे। और हाँ, आप लोग निश्चिंत रहिए, इसके ऊपर जैसे ही कोई नया अपडेट आता है, जैसे कि पोषण ट्रैकर ऐप में THR के जो बच्चे हैं उनको इसमें ऐड कर दिया जाता है, तो मैं फटाफट इसकी वीडियो आप सभी के साथ शेयर ज़रूर कर दूँगा। तो यही अपडेट है आज के इस वीडियो में। तो आप सभी को ये अपडेट कैसा लगा? क्योंकि आपको पता है कि जो अपडेट आती है उसकी जानकारी आपको सही सही दी जाती है। और पोषण ट्रैकर ऐप से रिलेटेड आपको कोई भी मन में सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।